हाँ तो भाई, अगर आपके भी स्मार्ट टीवी में लैग प्रॉब्लम या स्लो होने की दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनी है। और हाँ, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आप वापस आना और इस वीडियो को डिसलाइक करना। और तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो स्मार्ट टीवी के अंदर लैग प्रॉब्लम या स्लो होने की प्रॉब्लम आती क्यों है। तो दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को आती है कि जब हम इसके अंदर इंटरनेट कनेक्ट करते हैं और इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद ही ज़्यादातर प्रॉब्लम स्लो होने की आती है या लैग होने की आती है। मेन वजह यही है कि जो हमारा स्मार्ट टीवी है उसके अंदर हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं और इंटरनेट यूज़ करने की वजह से दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे स्मार्ट टीवी की जो परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी लो हो जाती है। जब हम नया नया स्मार्ट टीवी लेके आते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी मिलती है हमें देखने को, तो टाइम के साथ जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन भी हो जाती है क्योंकि हम इसके अंदर इंटरनेट का उपयोग बहुत करते हैं। हम इसको इंटरनेट से कनेक्ट करके इसके अंदर इंटरनेट की मदद से बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो दोस्तों, सारी प्रॉब्लम होती है इंटरनेट की वजह से। तो दोस्तों, इंटरनेट की वजह से होता क्या है कि कोई भी हम फाइल डाउनलोड करते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं अपने स्मार्ट टीवी में, तो कुछ कुछ जगह यहाँ पर वायरस की समस्या आ जाती है या कुछ कुछ बग्स फाइल होती हैं वो बनकर हमारी टीवी में आ जाती है। इस वजह से हमारा स्मार्ट टीवी स्लो हो जाता है या हमारा स्मार्ट टीवी हैंग होने लगता है या लैग प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप अपने स्मार्ट टीवी को रिफ्रेश करेंगे और इसके अंदर जितने भी तरीके के वायरस होते हैं या कोई बग फाइल होती है उसको हम डिलीट कर देंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे स्मार्ट टीवी के अंदर बग फाइल या हमारे स्मार्ट टीवी के अंदर वायरस नहीं होगा तो हमारा टीवी जो है वो काफ़ी अच्छा चलेगा और इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगी। चलिए मैं आपको अपने स्मार्ट टीवी के स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और आपको बताता हूँ डिटेल में कि कैसे आपको अपने स्मार्ट टीवी को रीसेट करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको अपने स्मार्ट टीवी को रीसेट करना है। तो मैं सबसे पहले चला जाता हूँ यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन में। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेटिंग का ऑप्शन है, तो सेटिंग के ऑप्शन पर मुझे कर लेना है ओके। और ओके करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वाली सेटिंग में, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ रहा है हमारे स्मार्ट टीवी में सिस्टम रिकवरी का ऑप्शन। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर सिंपली इसको ओके कर देना है और ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड मांगेगा, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड भी डाल देता हूँ। तो दोस्तों, सभी टीवियों में जो इनबिल्ट पासवर्ड होता है वो 1 2 3 4 या तो 4 बार 0 होता है। तो दोस्तों आप देख लेना आपके स्मार्ट टीवी में कौन सा पासवर्ड होता है या आपके स्मार्ट टीवी में पासवर्ड नहीं होगा। दोस्तों मैं यहाँ कर लेता हूँ अब इसको ओके और हमारा टीवी यहाँ पर रीसेट हो जाएगा और मैं एक्चुअली आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक बार और कह रहा है, परमिशन मांग रहा है, तो मैं कर देता हूँ रिकवरी और मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि मेरा स्मार्ट टीवी रीसेट हो रहा है। और मैं आपको बताता हूँ रीसेट होने के बाद आपको कैसे सेटिंग करनी है अपने स्मार्ट टीवी की। जब तक हमारी स्मार्ट टीवी रीसेट हो रही है तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं ऐसे और भी कंटेंट लाता रहता हूँ। वेलकम टू यूजर स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है स्टार्ट द सेटअप, तो हमें इसके ऊपर ओके कर लेना है। और ओके करने के बाद दोस्तों आपको लैंग्वेज चूज करने का एक ऑप्शन आता है, तो आपको यहाँ पर अपनी लैंग्वेज चूज कर लेनी है। अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको इंग्लिश में ही रहने देना और यहाँ पर सीधा इसको ओके कर देना। तो मैं इसको भी ओके कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको ओके कर लिया। अब यहाँ पर हमारा आ रहा है सिलेक्ट द टाइम जोन यू आर यूजिंग। आपको यहाँ पर टाइम के लिए अपने टीवी को सेट करना होता, तो यहाँ पर मैं कोलकाता का टाइम सेट कर लेता हूँ और इसको भी ओके कर देता हूँ। और इसको ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेट योर टीवी नेटवर्क। तो दोस्तों अभी हमें कोई नेटवर्क वगैरह नहीं है, हमारा कोई वाईफाई वगैरह नहीं है, तो आप हम यहाँ पर भी इसको ओके कर देते हैं। और दोस्तों ये हमारे टीवी के बारे में बता रहे कि यहाँ से हम एक एप्लीकेशन डाउनलोड करके इसको यूज कर सकते हैं और अपने टीवी को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं उस एप्लीकेशन की मदद से। तो दोस्तों हमें इसको भी नहीं करना है, हम चले जाते हैं आगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको होम पर क्लिक करके इसको ओके कर देना है और ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पर भी आपको होम सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको भी होम सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको भी ओके कर देता हूँ। तो ओके करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा स्मार्ट टीवी पूरी तरह से रीसेट हो गया और इसकी स्पीड भी काफी अच्छी हो गई है। अब आप किसी भी तरीके से इसको कैसे भी चलाएं, अब ये लैग नहीं होगा ना ही आपका टीवी अब स्लो होगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी और भी वीडियो मैं लाता रहता हूँ और मैं मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। जय हिंद।